logarithmic functions ki differentiation. Differentiation of logarithmic function thodi practice kar lete hain. Differentiation of logarithmic function. थोड़ी प्रैक्टिस करके बस हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे इसमें. डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस. जो लॉग वाले फंक्शंस होते हैं इनके कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. इसके साथ मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज कवर कर दूंगा. जैसे जितने लॉज हमने पढ़े सारे के एग्जाम्पल्स में करवा दूंगा तुम्हें. सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. जब लॉग एक्स लिखते से मतलब क्या होता है? बेस में क्या है? बेस में ई होता है. जब सिर्फ लॉग एक्स लिख के फिजिक्स में छोड़ते हैं, फिजिक्स में लॉग एक्स लिख के छोड़ते हैं तो मतलब बेस में ई है. ठीक है, फिजिक्स में अगर लॉग एक्स कहीं लिखे तो मतलब बेस में क्या है उसका? बेस में उसकी ई है. ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स. यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 2.718. ये एक इरेशनल नंबर है. ई क्या है? एक इरेशनल नंबर, तो उसकी वैल्यू आगे चलती जाएगी. ठीक है ना, और वो क्या होता है वो मैं समझाऊंगा बाद में किसी टॉपिक में. यूलर्स नंबर कहते हैं इसको, इसके डिटेल में समझेंगे हम लोग ये होता क्या है. डी अपॉइंट डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना. डी अपॉइंट डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स. डी अपॉइंट डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ये याद रखना है. ठीक है, आओ करते हैं इसके सारे क्वेश्चन. मान लो कहीं पे क्वेश्चन है सपोज करो फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 18 log x, find d by dx of 18 log x. मतलब ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि बेस में क्या है? बेस में e है. log x लिखने मतलब ऑटोमेटिकली बेस में e है. ठीक है ना, d by dx of 18 log x बोला क्या है? 18 एक कांस्टेंट है. 18 क्या है? कांस्टेंट और log x फंक्शन है. 18 कांस्टेंट है, log x फंक्शन है. 18 बाहर आ जाएगा और हमने डिफरेंशिएट किसको करना है? हमने डिफरेंशिएट करना है log x को. 18 बाहर आ जाएगा और हमने डिफरेंशिएट करना है log x को. log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है 1 अपॉन x. ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन x. आ जाएगा 18 अपॉन एक्स. क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब जितने भी लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ कैलकुलस होते हैं, लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ कैलकुलस जितने होते हैं सबके इलस्ट्रेशन हम लोग कर लेंगे. किसके साथ? लॉग के साथ. सबका हम लोग लॉग के साथ एक बार सॉल्व कर लेंगे कि लॉग के साथ कैसे बनता है वो. ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास. आओ अब नेक्स्ट करते हैं. ये नोट कर लो, सिंपली जो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन है. क्या कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन है? कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो. क्लियर है सारा एग्जांपल? आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन था. अब एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं. कहीं भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है? सपोज करो तुम, उन्होंने बोल दिया तुम्हें डिफरेंशिएट फाइंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ log 15, find d upon dx of log 15. इसकी वैल्यू कितनी होगी? find d upon dx of log 15 कितना होगा? अब log 15 है क्या पहले ये बताओ. log 15 एक कांस्टेंट वैल्यू है. log 15 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू. ये क्या? ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है. log ऑफ 15 यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये चेंज हो ही नहीं रहेगा, हमेशा log 15 ही रहेगा. x अगर log x होता मतलब x चेंज होगा तो log x की वैल्यू चेंज होती रहेगी. ठीक है, बट log 15 तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है. कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन होता है जीरो. क्लियर है? डी अपॉन डी एक्स ऑफ log 15 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो. डी अपॉन डी एक्स ऑफ log 15 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो. क्यों हुआ? इसलिए हुआ बिकॉज log 15 क्या होता है? log 15 होता है कॉन्स्टेंट. इसलिए हुआ बिकॉज log 15 क्या होता है? log 15 होता है कॉन्स्टेंट. ये याद रखना, ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज log 15 कॉन्स्टेंट होता है. किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. क्लियर है? किसी भी कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो होता है. ठीक है, आओ और क्वेश्चन हम लॉग के करते हैं. थर्ड क्वेश्चन, सपोज करो तुम्हें बोल दिया लॉग एक्स प्लस टेन साइन एक्स, लॉग एक्स प्लस टेन साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है. क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है. कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट? अगर दो फंक्शंस का सम है उसको डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, एक लॉग एक्स है, एक 10 sin x है, तो क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा find d by dx of log x plus d by dx of 10 sin x, d by dx of 10 sin x. ये होता है linear operator. ये क्या होता है? linear operator. Differentiation is a linear operator या फिर distributive over addition. Differentiation is a linear operator or distributive over addition. तो ये हो गया, पहले log x को करना है, फिर plus 10 sin x को करना है. ठीक है, log x का क्या होता है? log x का होता है differentiation 1 upon x. log x का होता है 1 अपॉन एक्स
10 sin x का क्या हो जाएगा, 10 कॉमन, 10 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 10 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग sin x को, 10 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे sin x को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1 / x, इसका आंसर आ जाएगा 1 / x + 10 cos x, 1 / x + 10 cos x। ये क्लियर हो गया, कैसे किया हमने, जैसे सिंपली fx + gx होता है, उसको क्या होता है, पहले fx को डिफरेंशिएट करते हैं + gx को डिफरेंशिएट करते हैं, fx को करते हैं + gx को करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहां तक नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी ने नोट कर लिया इसको, सभी लोग नोट कर लो। लॉगरिथम के फॉर्मूला को हम लोग सारे एलजेब्रा में यूज करेंगे, जितने भी कैलकुलस करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्पोजिट फंक्शन, सब में मैं लॉग एक्स करके तुम्हें दिखाता हूँ लॉग एक्स के साथ कैसे ये वर्क करता है, ठीक है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट रूल हो गया, डिवीजन मतलब क्या होता है क्वोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल, साथ में हम लोग और क्या यूज कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल यूज कर लेंगे और लास्ट में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन भी करके देख लेंगे, पैरामेट्रिक चाहो तो पैरामेट्रिक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के सारे टाइप्स हम लोग एक बार लॉग के साथ यूज कर ले रहे हैं, लॉग फंक्शन के साथ यूज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। तो ये नोट कर लो, ये सभी ने नोट कर लिया, और दो चार क्वेश्चन और करते हैं। पहले एडिशन वाला हो गया, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन हो गया, अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, अब देखते हैं प्रोडक्ट रूल, कौन सा क्वेश्चन है, ये प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस्ड है। मैं एक साथ तीन फंक्शन यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, एक्स, लॉग एक्स और साइन थ्री एक्स, एक्स लॉग एक्स साइन थ्री एक्स, तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है उसको डिफरेंशिएट करना है, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है उसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स लॉग एक्स साइन थ्री एक्स, इसका मैंने तुम्हें रूल लिखवा दिया, प्रोडक्ट रूल इसके लिए क्या होता है, थ्री फंक्शन का रूल क्या होता है, थ्री फंक्शन का रूल होता है, मैं लिख देता हूँ रूल, रूल क्या होता है थ्री फंक्शन का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसको बोल सकते हैं एक्स को बोल सकते हैं यू, लॉग एक्स को बोल सकते हैं वी, तीन फंक्शन है, थर्ड फंक्शन डब्ल्यू, फर्स्ट फंक्शन यू, सेकेंड फंक्शन वी, थर्ड फंक्शन डब्ल्यू। अगर ऐसा है तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, इक्वल टू होता है, इक्वल टू पहले दोनों फंक्शंस को बाहर रखो, एट अ टाइम तुम सिर्फ एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, एट अ टाइम तुम एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, दो को बाहर रखना है, एट अ टाइम तुम्हें एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाकी दो को तुम्हें बाहर रखना है, ये इसका बेसिक रूल है। यू वी बाहर रहेगा तो क्या रहेगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, यू वी बाहर रहेगा तो रहेगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, अगले में क्या होगा, यू डब्ल्यू रखते हैं बाहर तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स। ये इलेवेंथ क्लास में नॉर्मली कहीं करवाया नहीं जाता, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूँ कि अगर तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, क्या तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है उसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी चीज को अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहला टर्म बन जाएगा हमारे पास, पहले दो फंक्शंस बाहर है, यानी एक्स बाहर है, लॉग एक्स बाहर है, एक्स बाहर है, लॉग एक्स बाहर है, और हमने डिफरेंशिएट किसको करना है, हमने डिफरेंशिएट करना है साइन थ्री एक्स को, हमने डिफरेंशिएट करना है साइन थ्री एक्स को, प्लस यू एंड डब्ल्यू बाहर है, यू मतलब एक्स बाहर है, यू का मतलब होता है कि एक्स बाहर है, और डब्ल्यू मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है साइन थ्री एक्स, तो साइन थ्री एक्स बाहर है, साइन थ्री एक्स बाहर है, और डिफरेंशिएट किसको करना है, डिफरेंशिएट मिडिल टर्म को करना है, डिफरेंशिएट मिडिल टर्म को करना है, मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, मिडिल टर्म वी जो है, वी क्या है हमारे पास, वी की जगह हमारे पास लॉग एक्स है, यू की जगह हमारे पास एक्स है, वी की जगह लॉग एक्स है, और डब्ल्यू की जगह साइन थ्री एक्स, ये पुट करते जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, फॉर्मूला में, यानी डिफरेंशिएट अब हम लोग करेंगे लॉग एक्स को, अब हमने डिफरेंशिएट करना है लॉग एक्स को, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म हमारे पास यू और वी और डब्ल्यू बाहर है, बाहर लास्ट टर्म में क्या है हमारे पास, वी एंड डब्ल्यू बाहर है, इसका मतलब हमारे पास लॉग एक्स और साइन थ्री एक्स, लॉग एक्स और साइन थ्री एक्स हमारे पास बाहर है, और डिफरेंशिएट करना है हमने एक्स को, डिफरेंशिएट करना है हमने एक्स को। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, ये हो गया प्रोडक्ट रूल यूजिंग लॉगरिथम, प्रोडक्ट रूल यूजिंग लॉगरिथम, प्रोडक्ट रूल विथ लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन में प्रोडक्ट रूल ऐसे अप्लाई हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। अब तुम्हें डिफरेंशिएशन याद है इनका, इनका डिफरेंशिएशन याद है तुम्हें, साइन थ्री एक्स का क्या होता है, साइन थ्री एक्स का क्या होता है, साइन थ्री एक्स का होता है थ्री कॉस थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स का होता है थ्री कॉस थ्री एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, और एक्स का क्या होता है, एक्स का होता है वन, ठीक है, साइन थ्री एक्स का होता है थ्री कॉस थ्री एक्स, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, और एक्स का होता है वन, इसको आप पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स साइन थ्री एक्स का क्या होता है, साइन थ्री एक्स का होता है थ्री कॉस थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स का होता है थ्री कॉस थ्री एक्स,
ठीक है, प्लस x साइन 3x, साइन 3x log x का होता है 1 अपॉन x, log x का होता है 1 अपॉन x, log x का होता है 1 अपॉन x, नेक्स्ट x कैंसिल हो जाएगा, ये x एंड x कैंसिल हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, log x साइन 3x, और x का क्या होता है, x का होता है 1, तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3x log x cos cos 3x, 3x log x cos 3x प्लस साइन 3x प्लस log x साइन 3x, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको, यहां तक तुम्हें क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग यूज करते हैं लॉगरिथम को। सिंपल, बस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, log x का क्या होता है, log x का होता है 1 अपॉन x, और इसमें क्या मान के चलते हैं हम लोग, log x का मतलब हम लोग मानते हैं log x टू द बेस e, ये जो हम लोग कर रहे हैं हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं log x टू द बेस e, ठीक है, क्लियर है। तो ये मान के चल रहे हैं कि जब कुछ नहीं लिखा मतलब बेस में क्या है, बेस में ई है, कुछ नहीं लिखा मतलब बेस में क्या है, बेस में ई है, ठीक है, ये समझ लो। और उसके बाद मैं अब तुम्हें एक और चीज करवा देता हूँ, बेस चेंज फार्मूला भी करवा देता हूँ, बेस चेंज फार्मूला करवा देता हूँ तुम्हें लॉगरिथम का, ये नोट कर लो, फिर मैं बेस चेंज फार्मूला करवा देता हूँ तुम्हें लॉगरिथम का, बेस कैसे चेंज करते हैं, अगर बेस में ई की जगह कुछ और दिया हो तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग करते हैं बेस चेंज फार्मूला। U अपॉन V वाला जो क्वेश्चन रूल है, मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, तुम खुद से कर लेना ट्राई। मैं तुम्हें U अपॉन V जो प्रोडक्ट रूल होता है, क्वेश्चन रूल होता है, जो क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, तुम खुद से ट्राई कर लेना, बिकॉज ये सारे जैसे हो रहे हैं वैसे सेम ऐसे वो भी हो जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा उसके अंदर। उसमें क्वेश्चन चाहो तो एक होमवर्क के लिए नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर सकते हो, क्वेश्चन लिख नोट कर लो, डी डी एक्स ऑफ, सिंपल सा मैं देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये करके दिखाना, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, तुम लोग करके देखना, ट्राई करना इसको, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसमें कोई डाउट नहीं है तुम्हें, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये खुद से एक बार ट्राई कर लेना, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तक तुमने ये कम नोट कर लिया होगा, तो नेक्स्ट बोर्ड पे आते हैं और होमवर्क फिर से मैं नोट कर देता हूँ, होमवर्क क्या है तुम्हारा, तुम्हारा होमवर्क है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ट्राई करना, और आज शायद कुछ स्टूडेंट्स कम प्रेजेंट है वहाँ पर बिकॉज कुछ को जाना पड़ा, तो ये होमवर्क करो आराम से, भेजने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी को लगता है कि उसने चेक कराना है तो भेज दो, और मैं इस क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा एक बार, ताकि सबको क्लियर हो जाए, जब सब लोग आएंगे तो एक बार मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, ये होता है बेस चेंज फार्मूला, एक ये नोट कर लो, बेस चेंज फार्मूला, ये जानना जरूरी है, बेस चेंज फार्मूला क्या होता है लॉगरिथम के लिए, बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला क्या होता है, सपोज करो किसी क्वेश्चन में बेस में ई दिया ही नहीं, किसी क्वेश्चन में बेस में ई नहीं दिया, कुछ और दे दिया, क्या दे दिया, लॉग बेस फाइव दे दिया मान लो, ठीक है, लॉग एक्स टू द बेस फाइव बोल दिया, बोला डिफरेंशिएट करो इसको, log x टू द बेस 5 दे दिया और बोला डिफरेंशिएट करो इसको, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ हमने बेस चेंज फार्मूला यूज करना है, हमने यहाँ पर पहले बेस चेंज फार्मूला यूज करना है, फिर हमें करना है, तो बेस चेंज फार्मूला क्या होता है, log x टू द बेस 5 क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 5 इक्वल्स टू log x टू द बेस एनीथिंग डिवाइडेड बाई log 5 टू द बेस, log 5 टू द बेस सेम नंबर, यहाँ तुम्हें सेम यूज करना है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेस ई, तो हम लोग बेस ई यूज कर लेंगे, हम लोग बेस ई यूज कर लेंगे, तो ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है, ये किसी भी नंबर के लिए बेस चेंज फार्मूला वैलिड है हमारे पास, ठीक है ना, बस ए की वैल्यू 0 या 1 नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 या 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी सबके लिए वैलिड है, ये हमारा बेस चेंज फार्मूला होता है, क्या होता है बेस चेंज फार्मूला, सिंपली log x को डिवाइड करो log 5 से, डिवाइड करो log x को डिवाइड करो log 5 से, बेस चेंज हो गया, log x को डिवाइड कर दिया log 5 से, तो बेस चेंज हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया, तो
इसको अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मान लो अब डिफरेंशिएट करना है, अगर तुमने सपोज करो डिफरेंशिएट करना है किसको, log x टू द बेस 5, किसको करना है, log x टू द बेस 5 को करना है, ये इक्वल टू हो जाएगा log x टू द बेस 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसको log x अपॉन log 5, क्या लिख सकते हैं log x अपॉन log 5 को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब खास बात क्या है, log 5 कांस्टेंट है, log 5 क्या है, log 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, log 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 by log 5 हो जाएगा, 1 अपॉन log 5 हो जाएगा, 1 अपॉन log 5 हो जाएगा, और डिफरेंशिएट करना है हमने log x को, डिफरेंशिएट करना है हमने log x को, ये तो बहुत सिंपल हो गया। log x का क्या बनता है, log x का बनता है 1 अपॉन x, ये आ जाएगा 1 अपॉन x log 5, क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x log 5, ठीक है। तो ये होता है बेस चेंज फार्मूला, क्या होता है ये होता है बेस चेंज फार्मूला। मैं ऐसे 10-15 क्वेश्चन तुम्हें तुरंत दो दो मिनट का, एक मिनट का क्वेश्चन हम लोग 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमारा क्लियर हो जाएगा ये होता क्या। इसको नोट कर लो पहले प्रॉपरली, बेस चेंज फार्मूला क्या है, हमने बेस को चेंज कर दिया, हमें बेस में बताया उन्होंने 5, हम लोग उसको e बना देंगे, बेस में अगर 5 बताएगा तो हम लोग उसको e बना देंगे, कैसे बनाएंगे, डिवाइड कर देंगे log 5 टू द बेस e से, ठीक है, log x टू द बेस e अपॉन log 5 टू द बेस e, ऐसे बेस चेंज हो जाता है, इस तरीके से बेस चेंज हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूँ, ये हो गया ना, और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप का क्वेश्चन है, बिल्कुल एक एक स्टेप का क्वेश्चन है। मान लो किसी ने बोला log x टू द बेस 2, क्या बोला, log x टू द बेस 2 इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, किसको करना है, log x टू द बेस 2 को करना है, तो हमारा बेस चेंज फार्मूला क्या है, हमारा बेस चेंज फार्मूला है कि तुम बेस में जो भी रखोगे हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, log x अपॉन log 2, log x टू द बेस 2 क्या बनता है, log x टू द बेस 2 बनता है log x अपॉन log 2, log x टू द बेस 2 क्या बनता है, ये बनता है log x अपॉन log 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन log 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब सबके बेस में क्या हो गया, अब सबके बेस में e आ गया है, हमने ये किया, अब सबके बेस में हम लोग क्या रख दिया, हम लोग जो चाहे, हम लोग 10 चाहे 10 रख सकते हैं, हम लोग e चाहे तो e रख सकते हैं, बट हमारा फॉर्मूला बेस e के लिए तो हम लोग बेस e ही यूज करेंगे, ठीक है ना, हम लोग बेस e ही यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन log 2 टू द बेस e, 1 अपॉन log 2 टू द बेस e, log x क्या बनता है, log x का बनता है 1 अपॉन x, log x का हो जाता है 1 अपॉन x, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x log 2 to the base e, 1 upon x log 2 to the base e। इस तरीके से हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। आ गया समझ, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो रहा है सबको, बेस चेंज फॉर्मूला कैसे यूज होता है, नोट कर लो, बेस चेंज फॉर्मूला कैसे यूज होता है, एक क्वेश्चन करके देखो फिर से, ये नोट कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लो, सभी ने नोट कर लिया इस क्वेश्चन को, सभी ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब में बस नंबर्स चेंज होते रहेंगे, बिल्कुल फॉर्मेट सेम रहने वाला है, ठीक है ना, सब में फॉर्मेट सेम रहने वाला है, बस नंबर्स चेंज होते रहेंगे। log x टू द बेस 10 कर दिया, ठीक है ना, log x टू द बेस 10 में क्या हो जाएगा, बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला क्या बना देगा, बेस चेंज फार्मूला के मुताबिक ये हो जाएगा log x टू द बेस e अपॉन log 10 टू द बेस e, log x टू द बेस e अपॉन log 10 टू द बेस e, क्लियर है। अब डिफरेंशिएट करना है, फाइंड करना है हमें dy by dx, तो dy by dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy by dx of log x अपॉन log e, log 10, log x अपॉन log 10, और दोनों के बेस क्या है, दोनों के बेस में e है, दोनों के बेस में क्या है, दोनों के बेस में e है। अब log 10 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन log 10 बेस e, और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e, क्या होता है log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन log 10 बेस e। याद रखना कि log 10 बेस e को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जब बेस e होता है तो इसको हम लोग एक और लिख सकते हैं, इसको कई बार ln भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, इसको ln भी यूज करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, इसको ln भी यूज करते हैं, ln 10 क्या बोल सकते हैं, इसको ln 10 भी बोल सकते हैं,
तो किसी एग्जाम में कहीं ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में अगर ये ln लिखा है, इसका मतलब क्या है कि log to the base e बोल रहे हैं. ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है बेस ई. ln का मतलब होता है log to the base e. ln का मतलब होता है log log to the base e. हाँ, मैं यहाँ ln नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ ln बोल रहा हूँ, ठीक है ना. ln इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही, ये ln, ठीक है. ln मतलब log to the base e. ln मतलब होता है log to the base e, ठीक है. ln होता है log log to the base e. ये क्लियर हो गया? ln होता है log to the base e. तो ये समझ आ गया कैसे करते हैं हम लोग? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होगे. बेस जब कुछ और दिया होगा तो कर सकते हैं सॉल्व. इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला. इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है. यहां तक नोट कर लो. कॉम्पोजिट फंक्शन वाला पहले तुम लोग, जो पुराना लेक्चर है ना, मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन वाला मैं तुम्हें डालूंगा अभी यूट्यूब पे. मैंने अभी अपलोड नहीं किया वो लेक्चर. वो लेक्चर नंबर 5 होगा, ठीक है ना. कैलकुलस का 5th लेक्चर है वो. कैलकुलस का 5th लेक्चर है वो. मैं अपलोड करने वाला हूँ, आज अपलोड कर दूंगा, तो उसको तुम लोग देख लेना. इसको आप लोग क्लास में भी एक बार प्ले कर सकते हैं. तो अब उससे क्या होगा कि जब तुम वो देख लोगे, कॉम्पोजिट फंक्शन जब तुम सीख लोगे, उसके बाद में तुम्हें लॉगरिथम वाले कॉम्पोजिट फंक्शन करवा दूंगा. उससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है. कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन वाला तुम देख लेना, उसके बाद में तुम्हें लॉगरिथमिक फंक्शन कर दूंगा, या पहले वो कन्वेल कर लिया जाए. दोनों कर सकते हैं, जो भी मर्जी करना चाहे कर सकते हैं. स्टूडेंट्स कम आए हुए ना आज क्लास में? आज स्टूडेंट्स कम है क्लास में, तो इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं. फिर आज हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन वाला ही कंप्लीट कर लेते हैं. डिफरेंशिएशन का ही थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, डिफरेंशिएशन का ही एक्स्ट्रा पार्ट है. तो इंटीग्रेशन जो सारे बच्चे एक साथ रहेंगे तभी स्टार्ट कर, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करना अच्छा रहेगा. बिकॉज इंटीग्रेशन अगर आधा मूव हुआ रहेगा तो बच्चों को थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल होगी. नए बच्चे आएंगे उनको एडजस्ट करने में मुश्किल होगी. इसलिए चलो कॉम्पोजिट फंक्शन वाला भी आज इसी में करवा देता हूँ. मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है. फंक्शन ऑफ फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन. जैसे सपोज करो अगर y इक्वल्स टू log x है, क्या है y इक्वल्स टू log x, तो ये सिंपल x का फंक्शन है. y इक्वल्स टू log x का मतलब क्या है? सिंपल f, ये फंक्शन x का है. किसका? y इक्वल्स टू log x का मतलब है कि फंक्शन ऑफ x है. किसका? फंक्शन ऑफ x है. लॉगरिथम ऑफ x, क्या है? लॉगरिथम ऑफ x, ठीक है. बट मान लो किसी ने क्या बोला, किसी ने बोला y इक्वल्स टू, किसी और क्वेश्चन में बोल रखा है y इक्वल्स टू log x स्क्वायर. क्या बोल दिया? y इक्वल्स टू log x स्क्वायर. मतलब अब log ऑफ x स्क्वायर है, अब log ऑफ x नहीं है. क्या है? log ऑफ x नहीं है, अब log ऑफ x स्क्वायर है. x स्क्वायर खुद ही एक फंक्शन होता है. x स्क्वायर खुद ही एक फंक्शन होता है. और अब फंक्शन का फंक्शन कर रहे हैं हम लोग x स्क्वायर का लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं. किससे फाइंड कर रहे हैं? x स्क्वायर का लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं. मतलब कि अगर x की वैल्यू बता दी, अगर x की वैल्यू कहीं पे बोल दी 4, कहीं पर x की वैल्यू 4 बोल दी, तो पहले x स्क्वायर निकालना पड़ेगा. x स्क्वायर क्या होगा? 16. और y क्या होगा? y हो जाएगा log ऑफ 16, ठीक है ना. तो मतलब फंक्शन का फंक्शन है. पहले तुम्हें वो फंक्शन निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर तुमको उसका लॉगरिथम निकालना है. इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन. क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन. क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन. समझ आ रही है बात? लॉग ऑफ एक्स है, लॉग ऑफ एक्स मतलब सिंपल फंक्शन है. बट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? वो एक कॉम्पोजिट फंक्शन होगा. जैसे अगर साइन ऑफ एक्स बोलते हैं, साइन ऑफ एक्स क्या होता है? साइन ऑफ एक्स सिंपल फंक्शन होता है. बट साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x बोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x, ये हो जाएगा कॉम्पोजिट फंक्शन. क्या होता है ये? ये होता है कॉम्पोजिट फंक्शन. आगे बात समझ में? ये फंक्शन, ये खुद ही एक्स टू पावर 5 प्लस 2x खुद ही एक फंक्शन है. अब उसका तुम साइन निकाल रहे हो. एक्स टू पावर 5 प्लस 2x खुद ही एक फंक्शन, तुम उसका साइन निकाल रहे हो. दैट मीन्स कि वो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया. क्या हो गया? वो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया. क्या हो गया? वो हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन. हो गई बात क्लियर? यहां तक सारा कुछ क्लियर है? ये होता है कॉम्पोजिट फंक्शन. क्या होता है ये? ये होता है कॉम्पोजिट फंक्शन या फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन. इसको सॉल्व करने के 4 स्टेप्स मैंने बनाए हैं. इसको हम लोग 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे. कितने स्टेप्स में सॉल्व करेंगे? हम लोग 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल करके, ताकि तुम्हें समझ आएगी होता क्या है, ठीक है ना. इसको सिंपल हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है. मैं नोट करते जाऊंगा स्टेप्स, और फिर तुम लोग इसी अकॉर्डिंग सॉल्व करना. यहाँ 16 था तो मैं इसको फिर से थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ. 16 था ये, 1, 6.
ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या है, मान लिया क्वेश्चन में हमें बता रखा, क्वेश्चन में हमें बोल रखा डिफरेंशिएट, क्वेश्चन में बोल दिया डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने को बोल दिया हमें, डिफरेंशिएट लॉग ऑफ क्या रख ले कुछ फंक्शन बताओ तुम्हें, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 20x लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20x इसको डिफरेंशिएट करने को बोला। अब यहाँ तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 20x जो है जिसका हम लोग लॉग निकालना चाहते हैं, ये खुद ही एक फंक्शन है, ये खुद ही एक फंक्शन है, उसका फिर से तुम फंक्शन कर रहे हो, एक फंक्शन का तुम फंक्शन निकालो, उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो करेंगे क्या, स्टेप्स क्या होते हैं इसके, चार स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज करते हैं इसको सॉल्व, इसके चार स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है, इसका स्टेप वन होता है, स्टेप वन, स्टेप वन में क्या करेंगे, जो जिस जो तुम्हारे पास फंक्शन और फंक्शन में बाद वाला फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसको मान लेंगे टी, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसको हम लोग मान लेंगे टी, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x हो जाएगा टी, जो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टी, क्लियर है, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसको हम लोग टी मान लेंगे, ये स्टेप वन है। स्टेप वन क्या है, लेट टी इक्वल्स टू जो भी फंक्शन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, ये हमारा स्टेप वन है, लेट टी इक्वल्स टू जो भी ब्रैकेट के अंदर पार्ट दे रखा है। स्टेप टू क्या है हमारे पास, स्टेप टू है, स्टेप टू में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल y को t के टर्म्स में लिख देंगे, तो y क्या हो गया, y इक्वल्स टू हो गया log of t, y क्या हो गया स्टेप टू में हो गया, y इक्वल्स टू log of t, स्टेप टू में हो गया y इक्वल्स टू log of t, ये दो स्टेप समझ आ गए, क्योंकि इस पूरे को हमने क्या किया, हमने पूरे को हमने t मान लिया, इस पूरे को हमने t मान लिया है, इस कारण से ये दो स्टेप्स बन गए, एक t इक्वल्स टू लिख दिया कि t इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 10x, स्टेप टू में y इक्वल्स टू log t हो गया। अब स्टेप थ्री में हमारे पास है, स्टेप थ्री में हमारे पास चेन रूल है, स्टेप थ्री में हमारे पास चेन रूल है, स्टेप थ्री में हमने चेन रूल लगाना है, स्टेप थ्री में हम लोग चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल बहुत सिंपल है, चेन रूल क्या होता है, डीवाई अपॉन डी टी, चेन रूल होता है डीवाई अपॉन डी एक्स, हमें डीवाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ये होता है डीवाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी अपॉन डी एक्स, ये लिख लो, ये तीन स्टेप्स पहले लिख लो, ठीक है ना। तो लेट पहला स्टेप क्या, लेट टी इक्वल्स टू जो भी अंदर फंक्शन दे, ब्रैकेट में जो फंक्शन दे रहे हैं टी मान लिया, वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, वाई इक्वल्स टू लॉग टी हो गया, फिर चेन रूल, चेन रूल क्या होता है, डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डीवाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे कौन से फंक्शन को कहाँ लिखना है, ये देखते हैं, ये जो पहला वाला टर्म है, पहले वाले टर्म इसमें सेकंड स्टेप वाले को डालेंगे और सेकंड वाले टर्म में फर्स्ट स्टेप वाले को डालेंगे, इसमें सेकंड स्टेप वाला जो आंसर है उसको डालना है, सेकंड स्टेप वाले को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, सेकंड स्टेप में जो y लिखा है उसको यहाँ डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट स्टेप में जो t लिखा है उसको यहाँ डिफरेंशिएट करना है, ये फर्स्ट स्टेप वाले को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड स्टेप वाले आंसर को, यहाँ फर्स्ट स्टेप वाले को, कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या, सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है d अपॉन dt, सेकंड स्टेप में क्या था हमारे पास log t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, log t को करेंगे, d अपॉन dt ऑफ log t मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन dx ऑफ, अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप वन में क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x उसको सेकंड स्टेप में, इसको सेकंड वाला पार्ट में कर लेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट था जो यहाँ यूज कर लिया, d अपॉन dt ऑफ log t मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x, d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग चेन रूल इस तरीके से यूज करके कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इस मेथड से हम लोग किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टेप समझ आ गया, स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम, सभी लोग नोट कर लो इसको, स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बहुत सिंपल स्टेप है, और क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहले स्टेप्स नोट कर लो कि करना कैसे है, ये हमारा फ्लो चार्ट है, क्या ये हमारा फ्लो चार्ट है, ये हमारा एल्गोरिदम है, इसी तरीके से हमने पढ़ना है, इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये काम करेंगे। स्टेप वन टी मान लिया, स्टेप टू वाई को टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, स्टेप थ्री चेन रूल लगा दिया, ये तीन स्टेप्स हमने करने हैं, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, टी को वापस पुट करेंगे, फोर्थ स्टेप में टी को वापस पुट करेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ तक पहले नोट कर लो, पहले यहां तक का नोट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि टी को कैसे पुट करना होता है।
यहाँ पे कोई कंफ्यूज ना होना, ये सेकंड स्टेप है, यहाँ पे कोई पावर वगैरह नहीं है, यहाँ पे कुछ कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ये कुछ और है, सभी ने ये पार्ट नोट कर लिया है, सभी ने ये पार्ट नोट कर लिया, तो अब इसके आगे करते हैं हम लोग सॉल्व। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारा लास्ट स्टेप क्या आया था, हमारा लास्ट स्टेप आया था डी अपॉन डी टी ऑफ लॉग टी, हमारा लास्ट लास्ट स्टेप आया डी अपॉन डी टी ऑफ लॉग टी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स। लॉग टी का क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ लॉग टी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन टी, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना बहुत सिंपल है। पहले इसमें क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं प्लस 10 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कर लेते हैं। ये सिंपल जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, वही वाला फॉर्मूला लग गया, ये हो गया 1 अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 10, क्या आ गया 1 अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 10। लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप फोर क्या है हमारे पास, स्टेप फोर है हमारा, स्टेप फोर है, स्टेप फोर में है क्या है, पुट बैक वैल्यू ऑफ टी, पुट बैक वैल्यू ऑफ टी इन रिजल्ट ऑफ स्टेप थ्री, पुट बैक वैल्यू ऑफ टी इन रिजल्ट ऑफ स्टेप थ्री, पुट बैक वैल्यू ऑफ टी इन इन रिजल्ट ऑफ स्टेप थ्री। स्टेप थ्री का जो रिजल्ट आया उसमें हम लोग वैल्यू ऑफ टी वापस पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन अपॉन टी की जगह क्या था, टी की जगह क्या था हमारे पास, टी की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स था, टी की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स था, तो ये पूरा हम लोग वापस पुट कर देंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स को हम लोग टी मान रखा था, हमने एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स को टी मान रखा था, तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2x plus 10। इस तरीके से हम लोग चेन रूल को यूज करते हैं, इस तरीके से हम लोग चेन रूल को यूज करते हैं। ये आ गया समझ, इससे इजी इजी क्वेश्चन हम लोग तीन चार क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये करते कैसे, कि चार स्टेप्स पहले तुम नोट कर लो, प्रॉपरली सीख लो, उसके बाद हम लोग दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये करते कैसे। नोट कर लो सारा कुछ, आज इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते थे, बट ज्यादा क्वेश्चंस मैं इसी कराता हूँ, इंटीग्रेशन हम लोग एक फ्रेश दिन स्टार्ट करेंगे जब सारे बच्चे ऑलमोस्ट प्रेजेंट हो क्लास में, तब हम लोग करेंगे, तो ये कर लो नोट। अब हमारे पास बहुत कम बचा है, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक क्लास, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्लास, एरिया अंडर द ग्राफ का एक क्लास, तीन क्लास लगेंगे इसके, इंटीग्रेशन के तीन क्लास लगेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, तीन क्लास लगेंगे हमारे। फिर फोर्थ क्लास हमारा जो होगा, फोर्थ क्लास होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फोर्थ क्लास होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लेंगे हम लोग कैसे करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, और थोड़े बहुत ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन कर लेंगे। चार पांच क्लास के अंदर, चार से पांच क्लास के अंदर हमारा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा, कैलकुलस हमारा खत्म हो जाएगा, कैलकुलस सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग इजिली आगे के टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलस में अच्छा कमांड हो जाएगा तो फिर तीन चार महीने बहुत होते हैं फिजिक्स कंप्लीट करने के लिए, चार महीने पांच महीने में फिजिक्स बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बट पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा कैलकुलस अच्छा होना चाहिए, कैलकुलस अच्छा होना चाहिए, वेक्टर्स अच्छा होना चाहिए, तभी तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारा कुछ नोट कर लिया, आओ अब नेक्स्ट बोर्ड पे आते हैं, ये नोट कर लिया, अब नेक्स्ट बोर्ड पे आते हैं। तुम्हें कैलकुलस एंड वेक्टर्स पे बहुत ध्यान देना है, अगर फिजिक्स को स्ट्रांग रखना है तो कैलकुलस एंड वेक्टर्स पे बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज कैलकुलस एंड वेक्टर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो तब तक फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग ऑफ
log of, बहुत सिंपल क्वेश्चन करते हैं, log of 5x, log of 5x को डिफरेंशिएट करते हैं. कैसे करेंगे? स्टेप वाइज हम लोग करते हैं. स्टेप वन बस मैं लिखते जाता हूँ. स्टेप वन क्या हो जाएगा हमारे पास? स्टेप वन हो जाएगा t इक्वल्स टू 5x. स्टेप वन में t को मान लिया 5x, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर क्या, ब्रैकेट के अंदर 5x है तो उसको t मान लिया. स्टेप टू में क्या किया? स्टेप टू में मान लिया हमने, अब हमने लिख दिया y इक्वल्स टू, क्या हो गया? y इक्वल्स टू log of, अब जो 5x सबसे ज्यादा क्या पुट कर देंगे हम लोग? t पुट कर देंगे. स्टेप टू हो गया y इक्वल्स टू log of t. स्टेप थ्री हो गया चेन रूल. स्टेप थ्री हो गया सिंपल चेन रूल. स्टेप थ्री हो गया चेन रूल. चेन रूल क्या होता है? चेन रूल होता है dy upon dx इक्वल्स टू dy upon dt मल्टीप्लाइड बाई dt upon dx. ये होता है चेन रूल. इसकी आदत डाल लो, इसकी आदत डाल लो. क्या हो जाएगा? d upon dt ऑफ, यहाँ y की जगह क्या पुट करना है? y की जगह स्टेप टू वाला जो स्टेप है उसको लिखना है, ये लिखना है d upon dt ऑफ y की जगह ये वाला पुट करना है. क्या डालना है हमने? y की जगह पे log t पुट करना है. y की जगह पे log t पुट करना है मल्टीप्लाइड बाई d upon dx ऑफ, यहाँ पे क्या पुट करना है? यहाँ पे हमें t की ये वैल्यू डालनी है 5x. ठीक है, तो log t क्या होता है? log t का होता है 1 upon t. log t का होता है 1 upon t और 5x का कितना होता है? 5x का होता है 5. 5x का होता है 5. ये आ गया 5 upon t. लास्ट स्टेप में क्या आ गया हमारे पास? 5 upon t आ गया. 5 upon t आ जाएगा. क्लियर है? क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 5 upon t. टी की जगह हमने क्या पुट करना है? हम लास्ट स्टेप में, स्टेप फोर में हमने क्या करना है? स्टेप फोर में हमने टी की जगह 5x पुट कर देना. 5 कैंसिल हो गया, बस 1 upon x आंसर आ जाएगा. आंसर क्या आएगा हमारे पास? आंसर आएगा 1 upon x. हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 upon x. तो ये स्टेप्स नोट कर लो, ये स्टेप्स नोट कर लो. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू वापस पुट करें, टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे. वैल्यू कितनी है टी की? टी की वैल्यू 5x है, तो उसको वापस पुट कर देंगे. तो ये बन जाएगा 5 upon 5x. क्या आ जाएगा? 5 upon 5x. 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 upon x. आंसर आ जाएगा 1 upon x. आंसर आ जाएगा 1 upon x. ये बिल्कुल क्लियर है? 1 upon x आ गया आंसर. स्टेप्स क्लियर है सारे? नोट कर लो इस चेन रूल को. और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं चेन रूल के. नोट कर लो इसको. कर लिया सबने नोट? सभी ने इसको नोट कर लिया? सभी लोग इसको नोट कर लो प्रॉपरली. सारे स्टेप्स को समझो. बार बार कितने प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा इंप्रूव होगा, उतना तुम्हें चेन रूल समझ आएगी. चेन रूल के अंदर हम लोग करते क्या है, ठीक है? चेन रूल के अंदर हम लोग करते क्या है ये तुम समझ जाओगे अगर तुम उसको जितना प्रैक्टिस करोगे. और क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें चेन रूल के, ताकि तुम्हें और क्लियर हो. मान लो तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स. वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स. अब साफ साफ दिख रहा है ये लॉग एक्स नहीं है, लॉग ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स खुद एक फंक्शन, उसका लॉग कर रहे हैं. साइन एक्स खुद एक फंक्शन, उसका लॉग कर रहे हैं. क्या हो गया? ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया. ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि कॉम्पोजिट फंक्शन. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग. स्टेप वन क्या होता है हमारा? हमारा स्टेप वन होता है जो भी ब्रैकेट के अंदर उसको टी मान लिया, टी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टी क्वेश्चन साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास. टी क्वेश्चन साइन एक्स हो जाएगा. स्टेप टू क्या हो जाएगा? स्टेप टू में वाई क्वेश्चन क्या लिख देंगे? वाई क्वेश्चन लॉग साइन एक्स को पुट कर देंगे टी. साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे? साइन एक्स को पुट कर देंगे टी. तो ये बन जाएगा वाई क्वेश्चन लॉग टी. स्टेप थ्री क्या हो जाएगा? स्टेप थ्री हो जाएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री. स्टेप थ्री क्या हो जाएगा? चेन रूल. चेन रूल होता है dy upon dx इक्वल्स टू dy upon dt मल्टीप्लाइड बाई dt upon dx. बहुत क्लियर है? dy upon dx इक्वल्स टू dy upon dt मल्टीप्लाइड बाई dt upon dx. बिल्कुल सबको क्लियर है? अब dy upon dx निकलेगा कैसे? dy upon dx इक्वल्स टू कैसे निकलेगा? जो d upon dt करना होता है, उसमें स्टेप टू वाले स्टेप को डालना होता है. लॉग टी जो है, y इक्वल टू लॉग टी है, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे. मल्टीप्लाइड बाई dy upon dx में क्या पुट करेंगे? स्टेप वन में टी इक्वल जो लिखा है उसको पुट कर देंगे, यानी साइन एक्स है, तो वो यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है, लॉग टी क्या होता है? लॉग टी का होता है 1 upon t. साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स. साइन एक्स का होता है कॉस एक्स. तो ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन टी. टी की जगह क्या डाल सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन टी. टी की जगह पुट कर देंगे
जब पुट स्टार्टिंग में तुमने मान रखा है, क्या मान रखा है तुमने t की जगह, तुमने क्या मान रखा है, तुमने t को sin x मान रखा है, cos x upon sin x, इसका आंसर आएगा cot x, इसका आंसर आएगा cot x, यानी log sin x को करते हैं तो बनता है cot x, log sin x का क्या बनता है डिफरेंशिएशन, इसका बनता है cot x, log sin x का बनता है cot x, ठीक है, log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा cot x, किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा cot x, log sin x, log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cot x बनेगा, क्लियर है, इसको आराम से नोट कर लो। तो ये होता है कॉम्पोजिट फंक्शंस या फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये होता है चेन रूल, क्या होता है ये होता है चेन रूल। स्टेप थ्री को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप थ्री में जो हमने किया उसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, स्टेप थ्री में जो हमने किया उसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, स्टेप थ्री को हम लोग बोलते हैं चेन रूल, स्टेप थ्री को हम लोग बोलते हैं चेन रूल, और स्टेप वन में जो हमने किया इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक वेरिएबल को दूसरे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो मैथ्स में जहां भी ऐसा यूज करना पड़े स्टेप, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, यानी साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं विद टी, लेट टी इक्वल्स टू साइन एक्स, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं साइन एक्स को टी से, तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल यूज कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से हम लोग चेन रूल को यूज कर सकते हैं, चेन रूल सीख लिया हमने, आओ और क्वेश्चन करते हैं चेन रूल के। यहां तक का पार्ट क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके साथ। सभी ने नोट कर लिया इसको, सभी ने नोट कर लिया, तो आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आएगा y इक्वल्स टू log ऑफ 3x plus 5, y इक्वल्स टू log ऑफ 3x plus 5, ये फिर से 3x plus 5 जो है ये x नहीं है, 3x plus 5 x नहीं है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसको, क्या मान लेंगे स्टेप वन में, t इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, स्टेप वन हो जाएगा, स्टेप वन t इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, t जो ब्रैकेट में है उसको मान लेते हैं, स्टेप वन हो जाएगा हमारे पास स्टेप वन हो जाएगा t इक्वल्स टू जो ब्रैकेट के अंदर उसको स्टेप वन में मान लेते हैं, ठीक है ना, स्टेप वन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या रखा है हमने, t इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है, स्टेप वन हो गया t इक्वल्स टू 3x प्लस 5, और स्टेप टू क्या हो जाएगा, स्टेप टू हो जाएगा, इसको वापस पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टेप टू में क्या बन जाएगा ये हमारे पास, y इक्वल्स टू log t, स्टेप थ्री क्या हो जाएगा, स्टेप थ्री फिर से चेन रूल, स्टेप थ्री में हमारे पास आएगा चेन रूल, चेन रूल होता क्या है, चेन रूल होता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx, ये हो गया चेन रूल, सिंपल, dy अपॉन dt मतलब d अपॉन dt ऑफ y की जगह क्या पुट करना है हमने, y की जगह हमने स्टेप टू में जो लिखा है वो पुट करना है, स्टेप टू में क्या लिखा है हमने, log t लिखा है, तो log t को पुट कर देंगे यहाँ पर, और d अपॉन dx ऑफ यहाँ t की जगह क्या पुट करना है, t की जगह हमने स्टेप वन में जो लिखा है वो हमने पुट करना है, तो क्या रखा है 3x plus 5, तो यहाँ पुट कर देंगे, सो करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, log t का होता है 1 अपॉन t, log t का होता है 1 अपॉन t, log t का होता है 1 अपॉन t, log t का होता है 1 अपॉन t मल्टीप्लाइड बाई 3x plus 5 क्या होता है, इसका होता है 3, 3x plus 5 का सिर्फ 3 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, 3x का 3 रह जाएगा, 3x को डिफरेंशिएट करो 3 बचेगा, 5 का 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन t, आंसर क्या हो जाएगा 3 अपॉन t, और t को पुट कर सकते हैं 3x plus 5, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 3x plus 5, 3 अपॉन 3x plus, तो इसका आंसर फाइनल आ गया हमारे पास 3 अपॉन 3x plus 5, ये समझ लो कॉम्पोजिट फंक्शन चेन रूल, कॉम्पोजिट फंक्शन और चेन रूल, तो अब कॉम्पोजिट फंक्शन समझ आ गया, चेन रूल समझ में आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन समझ में आ गया, और क्या सीखा हमने, हमने आज सीखा बेस चेंज फॉर्मूला, हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है ना, हमने सीखा आज बेस चेंज फॉर्मूला, तो ये एक ओवरऑल हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो गया, कैलकुलस हमने बहुत हद तक सीख ली, डिफरेंशिएशन हमने बहुत अच्छे से सीख ली, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टाइप्स हमने सीखे, कौन से सीखे हमने, हमने पैरामेट्रिक फॉर्म सीखा, हमने कॉम्पोजिट फंक्शन सीखा, हमने प्रोडक्ट रूल सीखा, कोशेंट रूल सीखा, प्रोडक्ट रूल, तीन तीन फंक्शंस के सीखे, ये सब जनरली कहीं करवाया नहीं जाता, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली,
इसकी मतलब जरूरत आ सकती है, कहीं कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में से जरूरत आ सकती है, बट ये करवाया नहीं जाता किसी भी इंस्टीट्यूट में. तुमने कुछ एडिशनल सीखा है जो बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं होता, ये सारा कुछ बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं होता, ये सारी चीज़ें तुमने सीख लिया भी अच्छे से. हाँ, जो ट्वेल्थ में जो मैथ्स पढ़ेंगे जो बच्चे, तो ट्वेल्थ में ये टॉपिक्स तुम लोग पढ़ोगे, ट्वेल्थ में टॉपिक्स तुम लोग मैथ्स के अंदर पढ़ोगे. बट कभी अगर इलेवंथ में आ गया तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अप्लाई करना है तो फिर तुमने जानना चाहिए. तो ये सारा कुछ कम्प्लीट हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. चलो थैंक यू, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. और बीच में एक लेक्चर जो तुम्हारा प्ले होगा क्लास में, वो लास्ट क्लास में मैंने जो रिकॉर्ड किया लेक्चर, वो मैं प्ले करवाऊंगा पहले, उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.